नमस्कार देश विदेश को स्वागत कुछ मिनिलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। टोक्यो इतिहास रचिला भारत आथलेटिक्स प्रथम स्वर्ण पदक जैवलिन थ्रो इवेंट रे देश पई सुना आनले नीरज चोपड़ा शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री कहले सबुदिन पई मने रहइबो ए सफलता नीरज को घर आगे उत्सवर परिवेश सोने पे सुहागा रेसलिंग रे ब्रोंज आनले बजरंग पुनिया गौरवमय इतिहास रचिबा परे नीरज को सहित फोन जोगे कथा हले प्रधानमंत्री भारत पई आनिथिबा गर्व और गौरव कथा कहले मोदी चारिआड़ू छुटिला शुभेच्छार सुअ नीरज कहले भाभी नथिली स्वर्ण जीतिबि बोली। यूपी परे मध्यप्रदेश रे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनार हिताधिकारी सहित कथा हले मोदी लोकाल फॉर वोकाल अभियान में सामिल होगा प्रधानमंत्री आह्वान कौनसी जड़े भी हिताधिकारी योजनार वंचित नहवा नहीं चली सचेतनता। देश में कोरोना लड़े में सामिल है आउ एक वैक्सीन एणिकी कोरोना पर सिंगल डोज वैक्सीन जनसन एंड जनसन टीका को जरूरीकालीन अनुमति एवं सुधा देश में पांच वैक्सीन को अनुमति देश पालुची बुणाकार दिवस किंतु दुर्दिन रे ओडिया बुणाकार महामारी आनीदेला दुर्दिन सामग्री होई पारनी बिक्री बटा केबे दूर हेब दुख अर्घ सागरे मनर व्यथा बखाणिले बुणाकार मोदी कहले स्थानीय हस्तंत को मिलु प्रोत्साहन बुणाकार मानकु स्वावलंबी करिबा सहित समर्थन देवा को आह्वान देले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भाग गरीबों ठारु 25 किलो गोटे किलो काटी नेउछंती डीलर जाजपुर बरी ब्लॉक रो वीडियो वायरल डील पछरे केवल डीलर ना तांको पछरे आउ किए भारत को आथलेटिक्स रे प्रथम स्वर्ण पदक जैवलिन थ्रो इवेंट रे नीरज चोपड़ा जीतिले स्वर्ण इतिहास रचिले भारतर सुनापुअ भारत स्वाधीनता परे स्वर्ण पदक हासिल करिवारे नीरज होउछंती प्रथम आथलेट से केवल पदक जीति नाहंती बरंग देश पई इतिहास रचिछंती कहिले अतिथि बने द्वितीय भारतीय भाव ओलंपिक्स रे स्वर्ण जीति नीरज यह पूर्व सुटिंग रे अभिनव बिंद्रा भारत पई स्वर्ण जीति नीरज आज इतिहास सृष्टि करने सहित भारत 2012 मेडल टाली रेकर्ड को भी भांगी देते प्रथम से 87.03 मीटर जैवलिन को फोपाड़ी द्वितीय प्रयास से रेकर्ड 87.58 मीटर दूरता को जैवलिन फोपाड़ी स्वर्ण पदक पक्का करते प्रथम राउंड में 87.03 मीटर द्वितीय राउंड में 87.58 मीटर और तृतीय राउंड में 76.79 मीटर दूर जैवलिन थ्रो करते भारत पई आनी सुना पदक। Let me first congratulate Neeraj Chopra for his outstanding performance. I think every Indian was glued to the TV channel. Historic win, a great achievement. Olympic itihas mein aaj Bharat ne pehli baar ye itihas banaya jahan ek aur Neeraj Chopra ne shandar pradarshan karke swarna padak jeeta hai. Itihas vyaktigat roop se bhi banaya aur desh ko bhi sarvadhik medal jitane mein ek bahut badi bhumika nibhai hai. मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। आज बहुत प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि भारत ने पहला गोल्ड जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता है। पूरे देश के अंदर खुशी उल्लास है। निश्चित रूप से चोपड़ा के कारण जो हमने गोल्ड जीता है उससे देश के नौजवानों को नई प्रेरणा मिलेगी। इस संपर्क में आलोचना करने पर हम सहित रहते हैं क्रीड़ा समीक्षक संबित महापात्र। तो महापात्र आपको स्वागत करूँ आलोचना को। तो महापात्र आज दिन गोटे सुवर्ण दिन कहले मत अत्युक्ति हेनी कारण देखो बैक टू बैक प्रथम बजरंग पुनिया आनले ब्रोंज पदक तापर आनले गोल्डन पॉइंट नीरज चोपड़ा निजपाई तो निश्चित भाव में गोटे से सृष्टि करछंती इतिहास एवं ता सहित 130 कोटी भारतीयों स्वप्न को मध्य से पूरा करछंती। निश्चित भाव रे जो प्रतीक्षित बा जो आशा अमर थिला विशेष करी मु तो ओलंपिक रे एथलेटिक्स पदक देखि पारिबी कि नाही बोली
ଆମ ପେଶାରେ ଥିଲା ଭିତରେ ମୋର ମନରେ ଆସୁଥିଲା ଭାବନା, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ତାଙ୍କର ଏଇ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ବିଖ୍ୟାତ ଧାବକ ମିଲଖା ସିଂ ଯିଏକି ଚତୁର୍ଥ ହେଇଥିଲେ 1960 ରୋମ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଇ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ପଦକ ଆଣନ୍ତୁ ତାହା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମହାମାରୀରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି କିଛି ମାସ ତଳେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଉ ସମର୍ପିତ ନୀରଜ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଥାଇକି ଖୁସି ହଉଥିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ପାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ, ଏତେ ବଡ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡା ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମେଡାଲ ଜିତିବାର କଥା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାର କଥା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ କଥା ହେଇକି ରହେ। ଯଦି 1900 ନର୍ମାନ ପିଚାର୍ଡଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯା ଅଲିମ୍ପିକର ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ, ତାହେଲେ 1900 ଦୁଇଟି ମେଡାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଆସିଥିଲା, 200 ହର୍ଡଲ୍ସ ଏବଂ 200 ଦୌଡ଼ରେ ନର୍ମାନ ପିଚାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଯଦି କଥା କହିବା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ବି ମେଡାଲ ଆମେ ପାଇନଥିଲେ। ପିଟି ଉଷା 1984 ଏବଂ ମିଲଖା 1960 ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ ମେଡାଲ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ ମେଡାଲ ଆସିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହିସାବରେ। ଇଏ ଏକ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ମେଡାଲ ଆସି ନାହିଁ, ସେ ମେଡାଲ ପ୍ରଥମ ମେଡାଲଟି ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଆସିଛି। ଆଥଲେଟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା ରହିବା କଥା ସେସବୁ ଏବେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଗେମ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛେ, ସାୟଦ ଆମେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଯୋଉ ଆଥଲେଟ ଗୁଡ଼ି ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉନେ କି, ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବା କି? ନାଇଁ ଆଦୌ ଏ ବିଷୟରେ ତୁଳନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭୁଲ ତୁଳନା। କେହି ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ରିକେଟକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ୍ରିକେଟକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, କ୍ରିକେଟକୁ କୌଣସି କ୍ରିକେଟର ବା କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ତାଙ୍କ ବି ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର ସେଟା ଗର୍ବ। ଏଇ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା 80 90 ପ୍ରାରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି କରିଛି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଲା ବେଳେ ଯୋଉ 90 ଖେଳାଳି ମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ବି ବିଶେଷ ପଇସା ପାଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ବଡ କଷ୍ଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ବଡ କଷ୍ଟରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାନେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ କୁ ଦେଖିବା, 100 ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଭାରତ ପଠେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଲିକା କଥା କହିବା ବହୁତ କମ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅଲିମ୍ପିକରେ ପଦକ ଜିତିବା ଏକ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ଆମେ ଖୁସି ହବା ଯେ ଆମର 18 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଗଲ୍ଫରେ 2-2 ଯୋଉ ଆଜି ଅଳ୍ପକେ ଅଦିତି ଅଶୋକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ 23 ଝିଅ ଲଗାତାର 2 ଅଲିମ୍ପିକରେ ଗଲ୍ଫ ଖେଳିବା, କି ଘୋଡ଼ସବାରୀରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହବା, ଇଏ ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ। ତା ସହିତ ଯୋଉ 2 ଯାକ ହକିରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ଇତିହାସ। ଆମର 3-4 ଖେଳାଳି, କମଲପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ କଥା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ମହିଳା ଡିସ୍କସରେ, ସେ ଅଳ୍ପକେ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ବିଲକୁଲ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଲିମ୍ପିକ ପରି ଗେମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ବା ଏମାନଙ୍କର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶିତ ମହାପାତ୍ର, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକର ଭାରତର ସୁନାପୁଙ୍କ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ନୀରଜଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। बस दो दिन का है,
से बात हुई है कि मैं इंडियन में तो बहुत कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ बजाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम बैक। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे मतलब इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। बिल्कुल, जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी, और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देशर तारका जाभलीन थ्रो खेलाड़ी नीरज चोप्रा टोक्यो ओलंपिक्रे स्वर्ण जीति इतिहास रचिंट। से निजर यह स्वर्ण को फ्लाइंग सिख भाव प्रसिद्ध महान धावक मिल्खा सिंह को समर्पित करते। से स्वर्ण पदक जितना पर त्रिरंगा धरी पूरा मैदान में चकर मारे मुँह यार उत्सव मनाते। हरियाणार पानीपतरे रोकवा नीरज पदक जितना पर निजर यह स्वर्ण पदक को महान धावक मिल्खा सिंह को समर्पित करवर्ण पदक जितना विषय में चिंता करी कि किसी अलग करने को भाई जाणी जे आज निजर सर्वश्रेष्ठ करी मुलंपिक क्रीडार रेकर्ड भांगा चाहूली। से पदक सहित तो मिल्खा सिंह को भेटा चाहूली। से निज पदक को दौड़राणी पीटी उषा और अन्य आथलेट को समर्पित करते जी ओलंपिक रे पदक जितबार निकटतर हुई जितबार सफल हो पारना। टोक्यो रे इतिहास रचिला भारत। ओलंपिक्स रे स्वर्ण जीति देश को गर्वित करिछन्ते नीरज चोप्रा। तांको सफलता पई सारा देश रे खुशर लहरी खेली जाइछि। राष्ट्रपति ठारु आरंभ करी प्रधानमंत्री और बहु विशिष्ट व्यक्ति विशेष माने तांको शुभेच्छा जणाइछन्ते। सेबडे हरियाणा स्थित नीरज को घर सम्मुखरे उत्सवर माहौल सृष्टि होइछि। पोर सफलता पई नीरज को बापा गर्व अनुभव करिछन्ते। तांको पो देश पई गौरव आनिथिबारु से खुशी व्यक्त करिछन्ते। सेबडे स्थानीय लोके टीवी परदारे नीरज को प्रदर्शन देखिबा सहित तांको उत्साहित करले। नीरज स्वर्ण पदक हासिल करबा परे बन्दे मातरम और भारत माता की जय ध्वनि रे प्रकंपित होता समग्र परिवेश।
तेज स्वर्ण जितना पर सारा देश में शुभेच्छार सो छुटुची नीरज पाखक ट्वीट कर नीरज को शुभेच्छा जन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहते स्वर्ण जीति इतिहास सृष्टि करीरज से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट कर नीरज को शुभेच्छा जनई नीरज को सफलता को देश सबुदिन मन रख स्वर्ण जीति 135 कोटी भारतीय हृदय जीति नीरज से क्रीडामंत्री अनुराग ठाकुर नीरज को भारत सुवर्ण बाड़क नीरज को शुभेच्छा जनई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते भारत इतिहास सृष्टि करीरज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहते नीरज देश गर्वित ओलंपिक ट्रैक रे इतिहास सृष्टि करीरज तेरे नीरज खेल बैकग्राउंड उपरे नजर पकेबा 2016 रे नीरज साउथ एशिया गेम्स रे स्वर्ण एशियन जूनियर चैंपियनशिप रे एवं विश्व यू20 चैंपियनशिप रे स्वर्ण पदक हासिल करथिले तेबरि 2017 रे एशियन चैंपियनशिप रे स्वर्ण 2018 रे कॉमनवेल्थ रे स्वर्ण एवं एशियन गेम्स रे स्वर्ण पदक जीतिथिले नीरज चोपड़ा 2012 रे टोक्यो ओलंपिक रे स्वर्ण जीतिछन्ते क्षमा करेंगे 2021 टोक्यो ओलंपिक्स रे स्वर्ण जीति नीरज चोपड़ा सेपटे ओलंपिक्स आरंभ हो भारत स्वर्णिम अध्याय टोक्यो ओलंपिक्स रे गोल्ड मेडल जीति इतिहास रचिंट नीरज चोपड़ा नीरज गोल्ड मेडल पाइबा शुभेच्छा सहित पुरस्कार सो छुटुची हरियाणा सरकार 6 पुरस्कार आकार 6 कोटी टंका देवा घोषणा करछंते या सहित क्लास 1 चाकरी मध्य पाइबे केवल से नुहे हरियाणार पंचकुला सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एथलेट्स खोल जो मुख्य भाव रही है नीरज चोपड़ा हरियाणा 50% खर्च में एक प्लॉट दिजो एने घोषणा कर हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर या सहित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई 1 कोटी टंकार पुरस्कार राशि घोषणा करपरि सिल्वर मेडल जीति मीराबाई चानू और रवि दहिया 50 लाख लेखाएं देवा घोषणा करसीसीआई अंपक्ष कांस्य पदक विजेता 25 लाख लेखाएं पुरस्कार देवा बीसीसीआई घोषणा करपटे भारतीय पुरुष हॉकी टीम पर 1 कोटी 25 लाख टंका पुरस्कार राशि घोषणा कर नीरज चोपड़ा भारतीय सेनारे 4 राजपुताना राइफल ले सुबेदार भावे काम करते हरियाणा रो एक चासी परिवार तंकर जन्म स्वर्ण पदक जीतिबा परे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट करी कहिसेंती ओलंपिक रे नीरज को स्वर्ण पदक जीतिबा गर्व और गौरव कथा ओलंपिक रे जने सच्चा सैनिक भली प्रदर्शन करिसेंती से भारतीय सेना समेत सारा देश पई एहा ऐतिहासिक एवं गर्वर कथा सेपरि सीडीएस विपिन रावत एवं सेना मुख्य एमएम नरवाने नीरज चोपड़ा को शुभेच्छा जनाई खबर जारी रहा समय ब्रेक महामारी जनित संकट समय देशर गरीबों कल्याण को अग्राधिकार दे भारत इस समय देशर 80 कोटी अधिक नागरिक को मागणारे राशन जोगाइ दि जाए मागणारे रोसे गैस सिलिंडर जनधन योजन महिला को आर्थिक सहायता वन नेशन वन राशन भली जनहितकारी योजना करा जाए देश में निजुक्ति बढ़ावा पर गुरुत्व देखते सरकार महामारी मुकाबला समय गरीबों अग्राधिकार दे केन्द्र सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना रोजगार योजन लोकं मिली खाद्य और निजुक्ति देशर 80 कोटी लोकं मिलू मागणा राशन मध्यप्रदेश गरीब कल्याण अन्न योजना हिताधिकारी प्रधानमंत्री आलोचना लोकाल फॉर वोकल अभियान में सामिल होगा आह्वान महामारी जनित संकट समय देशर गरीबों कल्याण को अग्राधिकार दे भारत यह समय देशर 80 कोटी अधिक नागरिक को मागणारे राशन जोगाई दि जा एहा द्वारा केवल मध्यप्रदेश 5 कोटी लोक उपकृत होती देशर 8 कोटी गरीब परिवार को मागणा रोसई गैस सिलिंडर जोगाई दिजा सह जनधन योजन 20 कोटी अधिक महिला आकाउंट को 30,000 कोटी टंका प्रदान करा श्रमिक कृषकों आकाउंट को मध्य हजार हजार कोटी टंका प्रदान करा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रचलन करा प्रकाश कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार दिन मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हिताधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे कथा बेले यह प्रकाश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो
या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई। इस पूरे कालखंड में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुक्त राशन पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो बा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, एही सब योजना अधीन किपरि लोक मानक खाद्य सह रोजगार मिल पार से विषय में प्रथम चिंता करा जाइछे। महामारी मुकाबला सरी ना, विगत 100 वर्ष मध्य मनुष्य समाज सम्मुखीन होता विपर्यय मध्य कोरोना महामारी सबुठू बड़ विपर्यय। यार मुकाबला लोक मैंने सबुबले मास्क पिंधा सहित हाथ सानिटाइज करने, सोशल डिस्टेंसिंग नियम को कड़ाकड़ी भाव में पालन करने, टीका ने परामर्श देते प्रधानमंत्री। मास्क, टीका और दो गज की दूरी, ये बहुत जरूरी। हमें स्वस्थ भारत का संकल्प लेना है, समृद्ध भारत का संकल्प लेना है। यही अवसर में देशर नागरिकों को भोकाल फॉर लोकाल हेबा उपरे गुरुत्व देते प्रधानमंत्री। पर्वपर्वाणी समय रे भारतीय माने हस्तनिर्मित विभिन्न सामग्री किणी सही क्षेत्र रे कार्यरत लोकमानकु प्रोत्साहित करिबा को परामर्श देइछंती। मेरा आप सभी से, पूरे देश से आग्रह है कि आने वाले त्योहारों में हस्तशिल्प का कोई न कोई लोकल उत्पाद जरूर खरीदे, हमारे हैंडीक्राफ्ट को मदद करे। प्रधानमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जोग देइथिले मध्य प्रदेश रो मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। गत किछि दिन मध्य रे उत्तर प्रदेश एवं गुजरात रो गरीब कल्याण अन्न योजना हिताधिकारी सहित कथा हेबा परे एबे मध्य प्रदेश रो हिताधिकारी सह कथा होई समानक सुख दुख बुझिछंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। देशरे कोरोना लड़ाई में सामिल हेला आउ एक वैक्सीन, जनसन एंड जनसन कंपानी सिंगल डोज आसी सारी। अगस्ट 5 तारीख में अनुमति मांगी भारत सरकार को एक कंपानी एणिकी कोरोना पे सिंगल डोज वैक्सीन जनसन एंड जनसन टीका को जरूरीकालीन अनुमति। एबे सुधा देशरे 5 वैक्सीन को अनुमति। भारत में अमेरिका कंपनी जनसन एंड जनसन रो सिंगल डोज वैक्सीन को जरूरीकालीन अनुमति प्रदान करिसेंति केंद्र सरकार। एने ट्वीट करी सूचना देछेंति केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य। या सहित जरूरीकालीन व्यवहार पई देशर थिबा टीका संख्या 5 को वृद्धि पाइछि। या देशरे प्रथम सिंगल डोज टीका जहां कोरोना विरुद्ध रे फलप्रद हेबो। कोरोना लड़ाई रे देश को आउ एक शक्ति मिलला बोली कहिसेंति स्वास्थ्य मंत्री। जनसन एंड जनसन कंपनी रो सूचना अनुसार वैक्सीन रो ट्रायल बेले 85% फलप्रद बोली प्रमाणित हो सारी। एमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन आमर जो जनसन एंड जनसन रो सिंगल शॉट वैक्सीन आम देश रे देबा पई प्रचलन कले, आमे निश्चित भावे ये आमको बहुत बहुत साहाज्य करिवो। आमर सिंगल शॉट द्वारा आगुर जोटा डबल डोज दिया होतला, ए आमे कोविड को निश्चित भावे परास्त करिबा। सेथि पई समस्त मोर अनुरोध, ए सिंगल डोज वैक्सीन जत्ते जल्दी पारिबे आपणे नियंतु। देशरे वर्तमान कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुटनिक वी एवं मॉडर्ना परे जनसन पंचम टीका। देशरे वर्तमान सीरम इंस्टीट्यूट रो कोविशील्ड, भारत बायोटेक कोवैक्सीन एवं रूस रो स्पुटनिक वी व्यवहार होउछि। सरकारी केन्द्र रे कोविशील्ड टीका दिया जाय छी। घरोई हॉस्पिटल रे स्पुटनिक वी उपलब्ध रहै छी। मॉडर्ना परे जनसन हुचि द्वितीय अमेरिकी टीका। भारत रे एहार व्यवहार लागि अगस्ट 5 तारिख रे सरकार को थारु अनुमति मागिथिला कंपनी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जम्मू काश्मीर 370 धारा उठिबा परठारु विकास रो मुख्य स्रोत रे शामिल होउछंती सेठाकर नागरिक। जेउठी महिला मानक पई अनेक कटकणा थिला, सेठारे बे झियो माने अधिक संख्या रे पाठ पढिबा सहित विभिन्न खेलकूद रे मध्य भाग नेबा देखा जाउछि। ए बाबद रे सेमानकु सहायता हात बढाइछि भारतीय स्थलसेना। विभिन्न स्थान रे खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन करी महिला मानकर आत्मविश्वास बढाउछि। एबे इंडियन आर्मी तरफरु जम्मू काश्मीर बारमुलार बोनिया ठारे आयोजित होउछि बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता। एथिरे भाग नै बेस खुशी प्रकट करछंती झियो माने।
We are very thankful to army for this great organization. हर एक को पार्ट लेना चाहिए इसमें, हर एक के लिए बेनिफिट है, गर्ल्स ज़्यादा गर्ल्स के लिए. सो हमें इसमें पार्ट लेना चाहिए हर एक गेम में, ताकि हम अपना नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें, पेरेंट्स का नाम रोशन करें. इसमें हमारा ही फ़ायदा है और आर्मी यहाँ की बहुत अच्छी है. हमारे स्कूल में 5-6 बच्चों ने पार्ट लिया था और हमारा जो मतलब पहले सेमीफाइनल हुआ, क्वार्टर फाइनल हुआ, अब आज फाइनल था जो हमने जीता. आज जातीय हस्तंत दिवस ए अवसर में बुणाकार और कलाकार अभिनंदन जनाई पीएम नरेंद्र मोदी. मो हस्तंत मो गर्व एणु सब् बुणाकार और कलाकार आम सहयोग करवा आवश्यक मोदी ट्वीट करतेपरि. मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राज्य में बुणाकार को शुभेच्छा जनाई. समग्र विश्व में ओडिशार बुणाकार प्रतिभा प्रदर्शन कर हस्तंत क्षेत्र में आगुआ रही ट्वीट कर मुख्यमंत्री. सेपटे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बुणाकार जातीय हस्तंत दिवस शुभेच्छा जनाई. समय बुलेटिन को रखा. नमस्कार.